बॉबी, मदद संवाद में आपका स्वागत है। स्कूल और शिक्षक जीविका दीदी के नियंत्रण से हुए मुक्त। परिवर्तनकारी के प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर ब्रजवासी के द्वारा किया गया अनूठा कार्य। परिवर्तनकारी के द्वारा जीविका द्वारा स्कूलों शिक्षकों के जांच के खिलाफ हाई कोर्ट में किया गया था याचिका दायर। जीविका दीदी के जांच से मुक्त होने पर शिक्षकों में खुशी। अब खबर विस्तार से। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसके तहत जीविका को प्रारंभिक स्कूलों की मॉनिटरिंग का अधिकार दे दिया गया था। यह एक तरह से प्रारंभिक स्कूलों को जीविका के अधीन करना था। राज्य सरकार ने 3 अगस्त 2016 को आदेश जारी कर प्राइमरी स्कूलों पर अनेक पाबंदी लगा दी थी। स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जीविका को दिशा निर्देश जारी किया था। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के आलोक में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत जीविका के कम 2 सदस्य प्रत्येक माह कम से कम 2 बार अपने क्षेत्र के विद्यालयों का भ्रमण करेंगे। वे विद्यालय के बारे में संबंधित पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। इनकी रिपोर्ट पर ही शिक्षकों एवं विद्यालयों का भविष्य तय होगा। निर्णय के खिलाफ परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर ब्रजवासी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस उपबंध को हटाने की गुहार लगाई थी, जिस पर मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सुनवाई की। जीत से शिक्षकों में खुशी है। शिक्षक प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर ब्रजवासी का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें शिक्षक सम्राट बताया है और कहा है कि शिक्षक हितकारी जय हो परिवर्तनकारी। मगध संवाद से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।